हर हर महादेव दोस्तों। तो बाबा केदार की जो है कपाट जो है बहुत जल्द खुलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, और कहाँ से डोली कहाँ जाती है ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और आज मैं ऑलरेडी उखी मठ में पहुँच चुका हूँ, यहीं पर से डोली निकलेगी कल सुबह। लेकिन कल सुबह से पहले आज शाम को एक भव्य पूजा का आयोजन होता है, जिसमें बाबा काल भैरव की जो है पूजा की जाती है ओंकारेश्वर मंदिर में। जब पूजा संपन्न होती है उसके बाद दूसरे दिन सुबह, जो कि होगा 6 मई का दिन सुबह 8 बजे, यहाँ से डोली निकलेगी विश्वनाथ मंदिर के नाम से, जो दूसरा मंदिर जाना जाता है विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में, वहाँ पर जो है पहला पड़ाव हमारा होगा। पहला पड़ाव जो है गुप्त काशी होगा। 8 मई को सुबह पुनः 8 बजे डोली निकलेगी गुप्त काशी से फाटा के लिए, और फाटा में जो पड़ाव होगा, फाटा मेन मार्केट में जो है डोली रुकेगी। उसके बाद जो है 8 मई को, उसके बाद हम सुबह 8 बजे फाटा से निकलेंगे गौरीकुंड के लिए, जहां पर सब गौरी माता का जो मंदिर है स्थित है, तो वहीं पर जो है डोली रुकती है। जब वहां पर से सारी पूजाएं और सारी चीज़ें होंगी तो सुबह जो है डोली की विदाई होगी। 9 तारीख को बाबा केदार पहुंचेंगे केदार घाटी में, केदार मंदिर में, ठीक है। और 10 तारीख को सुबह 7 बजे जो है मंदिर के कपाट सभी लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे और हम सभी लोग दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इस बीच जो है, इस सफ़र में, ये जो 4-5 दिनों की यात्रा है, इसमें मैं पूरी यात्रा में डोली के साथ रहने वाला हूं। और अभी जो है रात को, अभी दिन के 4 बजे, कुछ ही देर में पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो हम सभी जा रहे हैं मंदिर। तब तक आप ये खिमट है, यहाँ की कुछ सुंदर दृश्य मैं आपको अपने ड्रोन के माध्यम से दिखाऊंगा, और उसके बाद जो है हम सीधे निकलेंगे मंदिर में, और मंदिर में क्या क्या पूजा होंगी और क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। तो चलिए। तो भाई मंदिर जाने से पहले देखो हमें कौन मिल गया, हमारे रोहित भैया। बोलिए हर हर महादेव। ठीक है, जिसको आने होता है वही जाते हैं, और पिछले बार भी ऐसे ही मिले थे, इस बार भी ऐसे ही मिल गए रेंडमली यहाँ पर। और हमारे साथ हैं इस बार भैया जी भी है। तो भैया जी क्या बना रहे हैं आप? भाई पकौड़े बना रहे हैं। तो भूख हमें बहुत लगी थी और भैया जी पकौड़े बना रहे हैं, तो यार पकौड़े खाएंगे। और हमारे साथ हमारा भाई भी है, भाई को भी हाई करिए। तो भैया जी तो कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो फाइनली केदारनाथ जी की जो यात्रा हमारी स्टार्ट हो गई है ओंकारेश्वर से। कुछ ही देर में मंदिर में जा रहे हैं, थोड़े पकौड़े खा लेते हैं, भूख काफी लगी है। और उसके बाद जो है आज शाम को काल भैरव जी की जो पूजा है वो होगी। तो कल सुबह जो है डोली निकलेगी, और अभी हम हैं उखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में। कल रात को हमने दर्शन किए, कल रात को हम यहाँ पर आए, और अभी जो है शाम को, रात को बाबा भैरवनाथ जी की पूजा होगी, और जो इस क्षेत्र के रक्षक माने जाते हैं उनकी पूजा होने के बाद ही बाबा की डोली निकलती है। तो इस 7 दिनों की जो यात्रा होने वाली है उसमें मैं स्वयं डोली के साथ जाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, रूट्स कैसे हैं, डोली कहां कहां जाती है, और क्या मान्यताएं हैं, कौन कौन से गाँव होकर हुए जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में मिलेंगी। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मंदिर में, और यहीं पर जो है ना आज बाबा काल भैरव की जो है पूजा होगी, और कल सुबह यहां से डोली निकलेगी। नेशनल आर्मी बैंड जो कि डोली के साथ जाता है। तो बाबा काल भैरव की जो पूजा है वो कुछ ही देर में यहां पर शुरू होगी। सारे गांव वाले यहां पर आ गए हैं, और बहुत सारे लोग आए हैं देश विदेश से, और यहाँ पर जो है रावल जी भी आ गए हैं। तो अब पूजा कुछ देर में स्टार्ट होगी। अभी जो है काल भैरव की पूजा स्टार्ट हो गई है। पूजा शुरू होने के साथ ही भक्तों का जो है जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। सारे भक्त देश विदेश से आ गए हैं बाबा केदार की पंचमुख की डोली के दर्शन करने। लेकिन उससे पहले पूजा हो रही है यहाँ पर, जो कि हमारे काल भैरव की हो रही है। इस केदार घाटी के जो रक्षक हैं उनकी पूजा हो रही है।
तो गाइस अब जो है जो कपाट देख रहे होंगे आप बंद हो गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर के, बाबा भैरवनाथ की पूजा हो गई है। कल सुबह यहीं पर से है, यहां से बाबा केदार की डोली, चल विग्रह डोली जो है वो निकलेगी। और अभी मैं जा रहा हूं भोजन करने। तो भैया जी भोजन करने कहां जा रहे हैं आप? आज कहां जा रहे हैं भोजन करने? हम क्या है रिजॉर्ट का नाम क्या है, मैं नाम भी भूल गया। पूजा खत्म होने के बाद जो है अब मैं आ गया हूँ अपने रेजिडेंट पे। अब यहाँ पर जो है हम खाना खाएंगे और डिनर करने के बाद जो है आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है। कल सुबह जो है डोली यात्रा स्टार्ट होगी, तो सुबह 7 बजे जो है ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की पंचमुखी डोली जो चल विग्रह उत्सव होता है वो कल पहुँचेगा हमारा गुप्तकाशी। गुप्तकाशी में विश्वनाथ जो मंदिर है वहाँ पर डोली रुकेगी। तो अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, और आप मेरे को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और आप भी इस डोली यात्रा का पार्ट बनना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं इस यात्रा में, तो आप भी 9 तारीख से पहले कभी भी केदारनाथ आ सकते हैं और फाटा, गुप्तकाशी और गौरीकुंड कहीं पर से भी इस पंचमुखी डोली चल विग्रह डोली यात्रा जो है इसमें शरीक हो सकते हैं। हर हर महादेव। तो भाई अब समय हो गया है डिनर करने का, तो हमने सोचा इस भूत बंगले में जो है खाना खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, फाड़ लगाओ भाई, इसको भी है रोटी सही है। मीठे में क्या मंगा लेते हैं?